कहीं है? ये देख कहीं है यो। बे आ दोस्तों, ये मेरा चाचा का लड़का है जो कि जिद कर रहा है मेरे साथ चलने के लिए। लेकिन क्या क्या दोस्तों करें यार, बहुत बारिश है, बहुत मौसम ख़राब है, तो मैंने बोला इसको घर पर ही रहना है। ये रोने लगा है, जिद कर रहा है बहुत। इधर जाओ भाई, दोस्तों व्लॉग की शुरुआत हम गांव के अंदर स्थित एक माँ आई के मंदिर से शुरू करते हैं, जो कि मेरे घर के पास में ही स्थित है। माँ आई का मंदिर आपको दिख रहा है, माँ आई के तस्वीरें, मूर्ति दिख रही हैं। माँ का आशीर्वाद जब तक साथ है तब तक सब कुछ अच्छा होगा। और यह हमारे गांव में ही स्थित है माँ आई का मंदिर, जो कि बहुत ही बड़ा मंदिर है। हमारे गांव की कुलदेवी है माँ तनोट राय, भी कुलदेवी है, और हम माँ आई को भी कुलदेवी मानते हैं, भाद्रीय राय को। अब हम गेट में से निकल रहे हैं माँ आई का आशीर्वाद लेकर। यह है मेन गेट और वो है आई माँ का मंदिर। हम गेट में से बाहर आ गए हैं, गेट को लॉक करना ताकि कोई अंदर जानवर ना जा पाए। यह है हमारी बाइक, इसके ज़रिए हम ब्लॉग शूट करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों माँ आई के आशीर्वाद के साथ साथ हम आ चुके हैं महादेव और ठाकुर जी के मंदिर, यानी यह एक धर्मशाला है। यहाँ पर बहुत सारे मंदिर है, बाबा रामदेव जी का मंदिर है, श्री कृष्ण का मंदिर है, महादेव का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, और भी कई सारे मंदिर हैं। ये है ठाकुर जी का मंदिर, वो है महादेव जी का मंदिर, और इसके पास में है वो बाबा रामदेव जी का मंदिर। ठीक उसी तरह हम आगे बढ़ते रहते हैं सभी का आशीर्वाद लेके, सभी के पावन चरणों को स्पर्श करते हुए यहाँ से रवाना होंगे आगे की लोकेशन की तरफ। ये बाबा रामदेव जी का मंदिर, जय बाबा रामदेव। ये बाबा रामदेव जी का घोड़ा है, जय महादेव। महादेव जी का भी आशीर्वाद ले लेते हैं अंदर चल के, जय महादेव, जय श्री कृष्ण, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। अब इसके साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं संकट मोचन महाबली हनुमान मंदिर की तरफ। ये रहे महाबली हनुमान जी, इसका भी आशीर्वाद है साथ में, तो कुछ भी बुरी आत्माएं हो वो ऐसा नाम तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन कहते हैं कि जहाँ वहाँ हनुमान जी का आशीर्वाद रहता है वहाँ ऐसी चीज़ें नहीं आती है। बातों बातों में हम आगे हमारे ऑन द वे पर रास्ते में ही है, अभी जा रहे हैं हम खेत की तरफ, ब्लॉग शूट हो रहा है खेत की तरफ। और रास्ते में जो भी आए, एक माँ आई का मंदिर और ठाकुर जी का, महादेव जी का, रामदेव जी का, बजरंगबली हनुमान जी का, सभी मंदिर को विजिट किया और अब हम जा रहे हैं खेत की तरफ बढ़ते हैं। खेत की तरफ जाके आगे का लोकेशन है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा। फिलहाल मैं अभी उधर जा रहा हूँ, ऑन द वे हूँ। अगला वीडियो जो बनाऊंगा वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में जो क्या होगा। एक पुराना घर और एक है कुआं, जो कि बहुत पुराना है, उसके अंदर क्या है क्या नहीं है वो मैं वीडियो के जरिए बताऊंगा, तो नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखना। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मेरा वीडियो पसंद आए तो। टेक केयर, बाय।
दोस्तों ज़्यादा बारिश की वजह से रास्ते पर बहुत कीचड़ और पानी जमा हो गया है, जो कि निकलने के लिए बहुत कठिनाई हो रही है। फिर भी हम आगे बढ़ते गए। तो दोस्तों आपने देखा, मैं घर से निकला तब से लेके ट्यूबवेल पहुंचा तब तक कई क्या क्या नई नई चीज़ें देखने को मिली, क्या देखा मैंने। और बारिश भी बहुत तेज़ थी, तो कितनी बारिश, किधर क्या कीचड़ वगैरह सब भी वो इस वीडियो में बताया मैंने। और इस वीडियो का लास्ट सीन है जिसमें मैंने एक पुराना घर और एक अपना कुएं के बारे में बताना चाहा था, लेकिन वीडियो लंबा हो रहा था तो मैंने सोचा ये क्लिप है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूँगा, सेकेंड वीडियो में। तो आप फर्स्ट वीडियो को देखने के बाद में वेट करना, सेकंड वीडियो भी बहुत जल्दी आएगा जिसमें एक कुआ और एक घर का सीन बताया हुआ है, वो कि बहुत पुराना है जिधर कोई भी नहीं रहता है, बहुत गंदगी है कुएं के अंदर। तो दोस्तों अच्छी अच्छी वीडियो आती रहेंगी, नई नई चीज़ें, नए नए घर और नई नई जगह देखने को आपको मिलेगी ब्लॉग से संबंधित। और भाई के चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करना। टेक केयर भाई।